हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट जो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन और लॉज ऑफ रिटर्न्स, दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एट्सेट्रा। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलके अच्छी खासी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन का क्या है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आसान हो जाएगी, चाहे वो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हो या कोई और चीज़। तो टू बिगिन विद हम देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज़ है। प्रोडक्शन फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूँ इन वन लाइन, तो वो है टेक्निकल रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। यानी जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स कंबाइन करते हैं और इनपुट्स को लगाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हमें आउटपुट कितनी मिलती है। ये प्योरली ए टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, अभी इसमें इकोनॉमिक्स शामिल नहीं हुई है, इकोनॉमिक्स शामिल बाद में होगी। यानी हम जितना इनपुट लगाते हैं हमें, या जितना फिर बढ़ाते हैं हमें, उसी प्रोपोर्शन से मिलती है, उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लीनियरली बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। ये मैं एक्सप्लेन करूँगा कि लीनियरली होमोजीनियस के, या फॉर दैट मैटर होमोजीनियस किसको कहते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी इसमें आगे चल के। ओके, तो बेसिकली आप ये समझें कि ये टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल एक कॉन्सेप्ट है जो रिलेशनशिप को बताता है कि आउटपुट और इनपुट में क्या रिलेशनशिप है। अगर आप इनपुट लगाएंगे तो आपको कितनी आउटपुट मिलेगी। अब मैं आपके सामने एक दो तीन वो बताता हूं। कोई चीज है, कोई कमोडिटी है, उसकी एक गिवन क्वांटिटी से एक्स अमाउंट या एक्स क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। सपोज तीन प्रोसेस हैं ए बी सी। ओके, यहां पर है लेबर और कैपिटल। हम सिर्फ लेबर और कैपिटल को ले रहे हैं, बल्कि पहले मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि जाहिर है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए आपको लेबर की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, लैंड की जरूरत है, ठीक है, फिर आपके लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल या एफिशिएंसी हम लेंगे उसको जरूरत है, और रिटर्न्स टू इस, यानी आउटपुट जो है इस चीज से डिटरमिन होगी। तो बाकी सारी चीजें जैसे कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, एफिशिएंसी, इन सारी चीजों को हम, लैंड को और रॉ मटेरियल को हम एक जगह कैपिटल में क्लब किए देते हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल जो है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें उसकी कांस्टेंट रिलेशनशिप होती है, यानी एक पर्टिकुलर कमरे का साइज, पर्टिकुलर साइज की विड्थ की दीवारें, उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, तो ईंट इनपुट है, तो वो तो बिल्कुल तय बात है, वो जब भी आप उसका कमरा बनाएंगे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, तो उसको हम कॉन्स्टेंट मान के जो भी कॉस्ट आ रही है वो सब इसी के साथ हम मिक्स क्लब किए देते हैं। इससे कितना बढ़ेगी आउटपुट जब हम इन चीजों को बढ़ाएंगे, ये डिपेंड इनपुट की क्वांटिटी से ज्यादा डिपेंड इस बात पे करेगा कि टेक्नोलॉजी क्या है। यानी उसी इनपुट के साथ अगर टेक्नोलॉजी आपकी बेटर हो गई तो आउटपुट ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं उस कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं जैसे लैंड और उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि लैंड अगर एग्रीगेट लेवल पे तो एक ही तरह की लैंड हुई। ओके, तो इसलिए हमने इन चीजों को क्लब कर दिया। और एफिशिएंसी जो है ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल थिंग है, और रिटर्न्स टू स्केल जो है वो टेक्नोलॉजी। तो इस चीजों पे बाद में आते हैं, लेकिन इस स्टेज पे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये चलो लिखा रहने दो।
सपोज एक प्रोसेस है जिसमें 3 यूनिट ऑफ लेबर और 3 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कोई भी एक्स अमाउंट. ये 100 यूनिट हो सकती है, 10 यूनिट हो सकती है, 1 यूनिट हो सकती है, जो भी आप मान लो. सपोज आप 100 यूनिट मान लीजिए. 100 यूनिट ऑफ एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें 3 यूनिट ऑफ लेबर, 3 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहा है. दूसरा है जिसमें 2 यूनिट ऑफ लेबर और 4 यूनिट ऑफ कैपिटल लग रहा है, और एक है जिसमें 1 और 4 ही लग रहा है. इन तीनों से प्रोसेस से जब आप इसको बनाते हैं तो आप ये यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इस स्टेज के ऊपर, एक रैशनल प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा प्रोसेस अपनाएगा, इसका जवाब अभी नहीं है. मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, खाली इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, क्योंकि ये तो प्योरली टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. हमें नहीं मालूम इनपुट की कॉस्ट क्या है, लेबर महंगा है कि कैपिटल महंगा है. तो जब तक वो चीजें नहीं मालूम होंगी, जब तक हम नहीं ये डिसीजन ले सकते. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम सिर्फ 2 चीजों को लें, लेबर और कैपिटल, तो आउटपुट जो है उसके बढ़ने की टेंडेंसी क्या होती है. लेकिन दोनों चीजों को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो है आप एक ही फैक्टर से आप प्रोड्यूस कर लें. उस तरह का भी एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो भी मैं बताऊंगा. मतलब पॉसिबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो सकते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको ब्रीफली, और किसी सेपरेट वीडियो में कॉब डगलस को भी बता देंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्शन फंक्शन हमारे यहां होता है. डायग्राम बना के आपको बताता हूं, जहां पर 2 डायमेंशन डायग्राम में जहां हमारे पास 2 ही एक्सेस है मेजर करने के लिए. ज्योमेट्रिकली हम मैक्सिमम 3 बना सकते हैं, 3 डायमेंशन अगर 3 डायमेंशनल उसको लें, लेकिन हम 2 डायमेंशन पे ही करेंगे. वही बहुत ज्यादा पॉपुलर चीज है. सपोज यहां पर हम इनपुट ले रहे हैं लेबर और यहां पर ले रहे हैं आउटपुट, ओके. तो सपोज ये टोटल आउटपुट है जो इस तरह से बढ़ रही है, ठीक है. ये है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, अज्यूमिंग कैपिटल भी है इसमें, लेकिन हम खाली लेबर को मेजर कर रहे हैं. तो ये चीजें आपको क्या बता रहा है कि जब आप 0 से शुरू करते हैं और जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं आपकी आउटपुट जो है वो बढ़ रही है, ठीक है. यानी यहां से जब आप शुरू करते हैं तो ये जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न है, इंक्रीजिंगली आउटपुट बढ़ रही है. यानी जब आप लेबर इनपुट को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ रही है. यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप लेंगे तो आप देखिए ये पोर्शन क्या मेजर कर रहा है, आउटपुट, और ये मेजर इनपुट कर रहा है. लेकिन जब आप इस पोर्शन पे आते हैं, यहां तक इसका मतलब जो है इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, और ये पोर्शन जो है वो डिक्रीजिंग रेट पर, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डिक्लाइन कर. हम टोटल आउटपुट का कर ले रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा. टोटल आउटपुट, ये वाई क्या है, वाई इज टोटल आउटपुट, और यहां पर आके ये कांस्टेंट बन गई. यानी इसके बाद वो बढ़ना बंद हो गया. यानी इसके बाद जब आप लेबर को और लगाएंगे, ये तो हमारे पास 3 वो थे, यानी 3 रीजन हुए हमारे पास. ये एक रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और ये रीजन 3, ठीक है. यानी रीजन 1 शो कर रहा है जब आपकी आउटपुट बढ़ रही है मोर देन इन प्रोपोर्शन द इंक्रीज इन लेबर इनपुट, और यहां पर लेस देन इन प्रोपोर्शन, जितना बढ़ा रहा है उससे कम बढ़ रही है. इसका मतलब क्या है, अगर इसी के करस्पॉन्डिंग एक मार्जिनल उसका अगर आप डायग्राम बनाए, यानी यहां पर टोटल आउटपुट के बजाय मार्जिनल आउटपुट, ओके, और यहां पर आपका लेबर हो, तो
ये सिचुएशन बनेगी। यानी ये जो आपका इंक्रीजिंग वाला पोर्शन था, ये मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ये लाइन इसके बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। यहां तक तो आपकी मार्जिनल आउटपुट बढ़ रही है, यानी दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ऑब्वियसली इट इज कंबाइंड विद सर्टेन अदर फैक्टर, जो कि फिक्स फैक्टर है, ये कैपिटल भी हो सकता है। और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम हो रही है, राइट? और ये जो कॉन्स्टेंट है, इसके बाद आउटपुट बढ़ना शुरू हो गई, यहां पर ये जीरो हो जाएगी, ठीक है? और नेगेटिव वाले पोर्शन को हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो हमारे लिए रेलिवेंट पोर्शन कौन सा होता है? हमारे लिए रेलिवेंट पोर्शन ये होता है, क्योंकि जब बढ़ रही है ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब डिक्लाइनिंग रेट पर बढ़ रही है तो हमें यह देखना है कि कब तक डिक्लाइनिंग रेट बढ़ेगी और कब यह बढ़ना बंद हो जाएगी। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर अब आप आउटपुट लेबर को बढ़ा के उस कांस्टेंट फैक्टर के साथ नहीं बढ़ा सकते। यानी कैपिटल को आपने कांस्टेंट माना हुआ है, या अगर इसको कैपिटल मान ले तो लेबर कांस्टेंट माना हुआ है, कोई किसी चीज को भी मान ले। तो यह पोर्शन हमारे लिए इररिलेवेंट है, यह पोर्शन भी इररिलेवेंट है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है इंक्रीजिंग फेज में, जाहिर है वो चाहेगा कि और आउटपुट उससे हासिल कर ले। तो इस चीज को समझिए, यही डायग्राम आप रिपीट कर सकते हैं कैपिटल के लिए, ठीक है? यानी अगर खाली उसका एक डायग्राम बनाए खाली इस पोर्शन का, तो वो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। यानी ये टोटल आउटपुट है, सपोज दिस इज लेबर और दिस इज आउटपुट, आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल सीम्स टू बी फिक्स्ड। कैपिटल को हमने फिक्स माना हुआ है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल जो इसमें डिस्क्लोज नहीं है उसके साथ लगा रहा है। अब डिफरेंट लेवल हो सकते हैं, अगर ये बढ़ेगी तो यू बढ़ सकती है, या उससे पहले वाला पोर्शन यू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के ये फंक्शन क्यों इंक्रीज कर रहा है। ये डिपेंड करेगा एफिशिएंसी के ऊपर, जो मैंने यहां लिखा था कि एफिशिएंसी एक फैक्टर होती है। यानी सेम टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, कुछ लोग उसको एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं, कुछ लोग एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप एक मिनट में, मैं ये बात आपको बता दूं, क्योंकि मुझे क्वेरीज भी मिल रही हैं उस सिलसिले में, यहां पर मुनासिब होगा इसी बात को रोक के। मैंने अनाउंस किया था कि हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन, स्टैटिस्टिक्स का एक चैनल सेपरेटली बनाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड मिल रही है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर जो हैं उनको एग्जैक्टली उसकी जरूरत है। तो अगर कुछ सब्सटेंशियल हो तो हम बनाएंगे, इसलिए मैंने उसको किया था कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हम स्टैटिस्टिक्स भी शुरू कर देंगे। वो टाइम मेरे पास फाइनाइट है, मैं एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूं, तो मेरे पास जो स्पेयर टाइम होता है उसमें बनाता हूं खाली में, ठीक है? उसी तरह से यहां पर जब आप देखते हैं, अच्छा मैं स्टैटिस्टिक्स बात क्यों निकाल के लाया कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपको ये नहीं समझाना है बेसिकली कि कैसे कैलकुलेट होगा रिग्रेशन, कैसे रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, कैसे हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। आपको ये ज्यादा समझने की जरूरत है कि इस हाइपोथेसिस में आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, इन सब चीजों के क्या मतलब होते हैं। इसमें टू टेल टेस्ट लगेगा, सिंगल टेस्ट, वन टेस्ट, वन टेल टेस्ट लगेगा, या यहां पर ये वाला मेजर अप्रोप्रिएट है भी नहीं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो एक टूल है, वो तो एक इनएफिशिएंट आदमी के हाथ में दे दिए, डेटा आप फीड कीजिए, चाहे वो डेटा आपस में रिलेवेंट हो ना कोई रिजल्ट आए। यानी आप रिग्रेशन ही एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई इरेलीवेंट डेटा को भी लगा दिया, रिग्रेशन वहां भी आ जाएगा, लेकिन उसका मतलब थोड़ी है दोनों में आपस में रिलेशनशिप है। तो इसी तरह से यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं कि वही टेक्नोलॉजी है, वही सब कुछ है, लेकिन एक जगह ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो रही है, तो वहां आउटपुट ज्यादा हो सकती है विद द सेम अमाउंट ऑफ लेबर, और जहां पर कम है वहां पर आउटपुट कम हो सकती है, ठीक है? तो लेबर के बढ़ने के साथ बढ़ रही है एक सर्टेन पैटर्न पर, कैपिटल फिक्स है, शिफ्ट जब कब होगा, यानी बाकी सारी चीजें यहां से यहां शिफ्ट होगा, या तो आप कैपिटल का अमाउंट बढ़ा दीजिए तो शिफ्ट हो जाएगा, या एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए, दोनों में से एक चीज होगी तब शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? लेबर के कॉन्टेक्स्ट में रिलेशनशिप जो है वो एक पर्टिकुलर कर्व से ही इंडिकेट होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व और आई मीन द चेंज अलोंग द सेम डिमांड आपने पढ़ा होगा, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, बिल्कुल उसी तरह से। तो इस चीज को आप समझ लीजिए, यानी यहां से यहां बढ़ाने के लिए और यहां से यहां बढ़ाने के लिए या तो कैपिटल बढ़े तो बढ़ जाएगा, या
टेक्नोलॉजी और उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो ये चीज़ तो हो गई है, अब मैं इसको मिटा दूं ताकि आगे के लिए जगह बनाऊं। यानी मैं रेफरेंस के लिए, जो अभी हमने डायग्रामेटिकली आपको चीज़ समझाई थी, उसको रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख दूं कि उस पोर्शन में जो रेलिवेंट था, यानी तीन फेजेस देखा है, तो वन जहाँ पर इंक्रीजिंगली बढ़ रही है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, इसलिए उसमें कोई प्रोडक्शन डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड रेलिवेंट है इसलिए कि वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, और थर्ड वो है कि जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो या नेगेटिव हो जाएगी, जीरो बियॉन्ड तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप बढ़ाए भी जाएँ और नुकसान उठाए जाएँ। तो आप बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एल, ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। और ये जो है, ये तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर पॉजिटिव है, एक्स जो है वो आउटपुट है, ये जो है वो लेबर है। और लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है विद रिस्पेक्ट टू द लेबर इट्सेल्फ, यानी जब आप लेबर को बढ़ाते हैं तो दिस बिकम लेस देन जीरो, यानी ये डिक्लाइन कर रही है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, और यही चीज जो है आप कैपिटल पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ जो मैंने लेबर के लिए बनाया वो कैपिटल के लिए बन सकता है, और वहां पर लेबर जो है वो फिक्स फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब इससे क्या चीज एक निकल के आती है कि हम दो डायमेंशन के डायग्राम में खाली एक फैक्टर को ले सकते हैं, यानी या तो विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आप आउटपुट को मेजर कर लीजिए, या विद रिस्पेक्ट टू लेबर आउटपुट को मेजर कर लीजिए, को फिक्स मान लीजिए। लेकिन ये ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल है, ऑलमोस्ट, कि हम खाली एक फैक्टर को लेके कोई अपना एनालिसिस कर पाए, क्योंकि वहां तक भी हमने मान लिया कि कैपिटल के साथ बहुत सारी चीजों को हमने क्लब कर दिया, इवन लैंड को क्लब कर दिया, फिर भी हमें कम से कम दो फैक्टर को तो उसमें लाना ही पड़ेगा। उसके लिए हम यूज करते हैं आइस कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वांट, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था, कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो कंज्यूमर की यूटिलिटी का एक लेवल जो है वो आपको बताता है। यानी इनडिफरेंस कर्व क्या है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी जो रिसीव कर रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कमोडिटीज से। यहां पर आइसोक्वांट जो है इनडिफरेंस कर्व का पैरेलल है, वो एक फर्क के साथ, वो भी बता रहा हूं। आइसोक्वांट जो है वो एक लेवल को बता रहा है, यानी सपोज अगर ये आइसोक्वांट है तो ये एक लेवल ऑफ आउटपुट है, इट कुड बी 10, इट कुड बी 100, इट कुड बी 50। तो हायर आइसोक्वांट्स का मतलब हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जहां पर एक जगह आप एक आइटम को ले लें, दूसरी जगह दूसरे मतलब इनपुट्स को ले लें, तो दो इनपुट्स। अब सवाल यह है कि आइसोक्वांट की पॉसिबल शेप क्या होगी, हम ये देखें तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लेवल ऑफ आउटपुट को आइसोक्वांट के थ्रू मेजर करें तो हम दो फैक्टर इनपुट्स को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने एनालिसिस। ओके, तो हमें यह नहीं अज्यूम करना पड़ेगा, जब आप लेबर के टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू लेबर कर रहे हैं तो आपने कैपिटल को कॉन्स्टेंट मान लिया, जब कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो लेबर को, तो उसमें तो आप बेसिकली जो भी रिटर्न्स आ रहा है दैट इज रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, तो रिटर्न्स टू स्केल तो आ ही नहीं सकता उसमें। ये रिटर्न्स टू स्केल मतलब जहां दोनों फैक्टर्स वेरिएबल है, यानी लॉन्ग रन एनालिसिस बेसिकली। तो आइसोक्वांट की पॉसिबल शेप क्या हो सकती है, इनडिफरेंस कर्व पे तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, डिक्लाइनिंग होता है, दो इनडिफरेंस कर्व मीट नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टीज इनडिफरेंस कर्व की पड़ी थी। अच्छा, मैंने कहा था आपको फर्क भी बता दूंगा आइसोक्वांट का, उसका आइसोक्वांट का और इनडिफरेंस कर्व का एक है फर्क है, और जो बहुत मेजर फर्क है, और वो फर्क ये है कि जहां तक इनडिफरेंस कर्व जो है वो प्योरली सब्जेक्टिव मेजर है, यानी मेरे पास एक आइडिया है एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन का, मुझे नहीं मालूम, मैं कहूं कि मुझे इसकी यूनिट 10 है या 100 रुपए के बराबर है, तो आप कुछ नहीं समझ सकते उससे कि 100 रुपए क्या होते हैं, या 10 यूनिट क्या हो सकती है, 50 यूनिट क्या हो सकती है। लेकिन यहां पर बिल्कुल यूनिट में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। अगर आप ये कहें कि 10 यूनिट बनाने में इतने लेबर और इतने यूनिट यूज हो रहा है और डिफरेंट तरीकों से बन सकते हैं, यानी ये जो है सपोज 10 यूनिट्स है वो इतने कैपिटल से और इतने लेबर से, या कैपिटल को आप कम कर लीजिए, यानी इतना कैपिटल तो इतना लेबर,
बिल्कुल उसी तरह से एक को घटाएंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको उसी पे रहना है। अब ये चूंकि बिल्कुल एक टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सवाल यह है क्या हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जहां पर आपको इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज देती हैं कि आप जैसे चाहो चेंज कर लो। ठीक है, हालांकि इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसा नहीं होता कि सर क्वांटिटी को आप बहुत ही माइन्यूटली 1.5 एंड 1.10 में भी मान लो, नॉट 1.10 1.1 और 1.2 और 1.5 उसमें कर लें, ऐसा नहीं, फ्रैक्शन में आप नहीं करते हो उसमें नॉर्मली। तो इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं और प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल हो सकता है, एनालिटिकली क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो मैं आपको पहले बता दूं इससे पहले कि मैं आगे लॉज के ऊपर बढ़ूं, प्रोडक्शन के लॉज के ऊपर। ओके, तो हम ये कंसीडर करें कि पॉसिबल शेप्स आइसोक्वांट की क्या हो सकती है, यानी आइसोक्वांट जो हमें एक लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा, यहां लेबर यहां कैपिटल। चलो हम अज्यूम करते हैं कि आइसोक्वांट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन, यानी हायर आइसोक्वांट जो है हायर इंडिफरेंस कर बता रहा है। तो ये बेसिकली आपको बता क्या रहा है, अगर आइसोक्वांट हम ए ए और बी बी मान लें तो ये बता रहा है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जैसे चाहें दोनों इनपुट्स को यूज कर लें। लेकिन आमतौर पे फैक्टर इनपुट्स कोई डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होते, सॉरी कंटिन्यूअस वेरिएबल नहीं होते, डिस्क्रीट वेरिएबल होते। अच्छा, ये चीज बता ही दूं कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या चीज होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये होते हैं कि जहां पर दो वैल्यूज के बीच में फाइनाइट वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक ये चिल्ड्रन इन ए फैमिली, पांच बच्चे हैं तो एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, ऐसा नहीं होगा 1.5 2.3 ऐसा नहीं होगा। ये डिस्क्रीट वेरिएबल कराते हैं जहां पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी एक डेफिनेट एक वैल्यू है और काउंटेबल है, दो के बीच में भी, दो यूनिट के बीच में भी एक काउंटेबल वैल्यू है, यानी एक और पांच के बीच में जितनी है वो भी फिट हो रहा है। कंटिन्यूअस वो होते हैं जहां पर इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी हाइट कहूं कि ये 165 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो क्या एग्जैक्ट 165 सेंटीमीटर है, या किसी की हाइट मेजर कर रहे हैं, इट कुड बी 165 पॉइंट सम मिलीमीटर, मिलीमीटर को भी और फर्दर नैनोमीटर में आप कन्वर्ट कर सकते, यानी यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये अलग बात है कि आप उसे मेजर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये खाली उसका बात, लेकिन देयर कुड बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल कराते हैं। तो अगर हम ये माने कि वेरिएबल्स जो हैं वो डिस्क्रीट, वो सॉरी कंटिन्यूअस हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबल जो हो सकता है वो ये हो सकता है जिसको हम इनपुट आउटपुट कहते हैं, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही इनपुट्स को कंबाइंड किया जा सकता है, यानी उसमें शेप जो है वो इस तरह से बनेगा, यानी इसी पर एक आउटपुट लेवल आप लेंगे जहां पर सपोज L1 अमाउंट ऑफ लेबर इज कंबाइंड विद K1 अमाउंट ऑफ लेबर, क्योंकि इसके बाद अगर आप यहां पर बढ़ा रहे हो L को, तो हमें यह मानना पड़ेगा विद द सेम अमाउंट ऑफ K एंड यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है कि आपने लेबर को ज्यादा भी लगाया और आप उसी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर हैं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आइसोक्वांट है, यानी एक ही लेवल को बता रहा है, तो कुल एक या फॉर दैट मैटर इसको बढ़ाया तो भी वही मतलब निकलता है। तो इस तरह से आप इसमें मूव करते हैं, तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसको आप इनपुट आउटपुट कहते हैं, ये लियोन्टिफ का बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन था जो उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल वो नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आप मतलब ये हमारे सोच सकते हैं, ये पॉसिबल शेप्स हो सकती हैं। एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है वो ये है, लेकिन उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल
उतनी ज्यादा एनालिसिस में यूज नहीं होती है। एनालिसिस में जो चीज यूज हो सकती है वो इसका और इसका कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ गिने चुने तरीके हैं, वो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, मतलब कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं है। तो मिसाल के तौर पे एक तरीका ये हो सकता है कि जहां पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल और सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर से प्रोड्यूस की जा सकती है गिवन अमाउंट। दूसरा ये हो सकता है, यानी अगर आप इसको तीसरा ये हो सकता है, तो यहां पर आपका आइसोक्वांट जो बनेगा वो इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हुए बनेगा। ओके, इसको किंक्ड आइसोक्वांट भी कह सकते हैं क्योंकि हर जगह, और लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली, लीनियर प्रोग्रामिंग भी, इसलिए कि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने, जैसे मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था, एक लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए गिवन यूनिट को डिफरेंट कॉम्बिनेशन में वो यूज करती है। एक टेक्नोलॉजी जिसमें कैपिटल ज्यादा लेबर कम, एक दूसरी टेक्नोलॉजी है उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज में यही दोनों फैक्टर, तीसरी है उसमें और किसी और उसमें, तो एक लिमिटेड है। यहां पर मैंने तीन कहे, तो ये आइसोक्वांट बिल्कुल कॉन्वेक्स शेप में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल यही है, ये बता दो। तो ये कौन सा था, ये इनपुट आउटपुट, और ये कौन सा था, स्ट्रेट लाइन, और एक चौथा हो सकता है आपका ये, ठीक है, ये आपके बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह है। अच्छा, लेकिन वो प्रॉब्लम जो यहां वाली थी वो यहां भी है कि यहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है वेरिएबल, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिसमें डिफरेंट, उसमें यानी नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं तो ये चीज जो है वो इसका एक अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, और एनालिटिकली सबसे ज्यादा फिजिबल है, और इसमें सिंपल एक कैलकुलस का रूल अप्लाई होता है इसलिए एनालिटिकली और भी ज्यादा आसान है। तो ये जो है हमारा आइसोक्वांट जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आइसोक्वांट है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए है कि जैसे जैसे आप वहां पर बढ़ रहे हैं कि जहां पर एक फैक्टर का ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसकी चूंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती चली जाएगी, इसलिए वो उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन कर जाएगा। यानी थोड़ा सा कैपिटल को आप अगर कम करेंगे तो बहुत ज्यादा लेबर आपका लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। एक बात और है, यहां पर भी एक सर्टेन रेंज में, फॉर एग्जाम्पल ये शेप्स हैं, यानी यहां पर आने के बाद तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट हो रहा है ना, तो ये, तो यहां से अगर आप एक लाइन खींचो जहां पर ये आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो ये हमारे लिए बेकार है, और इसी तरह एक लाइन यहां से बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर ऑलमोस्ट वो बता रहा है कि जहां पर आप एक यूनिट को घटा रहे हैं तो दूसरे यूनिट उससे उसी से काम चल रहा है आपका उस लेवल, जो पॉसिबल नहीं है। ये कहलाती है रिज लाइन, रिज लाइन, ये लोअर रिज लाइन हो गई, मैं इसको एल कर दूं, और ये अपर रिज लाइन। तो हमारा जो रेलिवेंट आइसोक्वांट है वो ये पोर्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन की तरफ, यानी प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से बढ़ेगी जब फैक्टर इनपुट्स बढ़ रहे हैं या एक फैक्टर इनपुट बढ़ रहा है। तो लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, देखिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमने कैपिटल के साथ क्लब कर लिया है, लैंड को भी, कैपिटल के साथ रॉ मटेरियल को भी, सारी चीज़ों को कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी दो फैक्टर हैं हमारे पास, कैपिटल और लेबर। ओके, तो अगर दोनों फैक्टर वेरिएबल्स हैं, यानी आपके पास इतना टाइम है, यानी लॉन्ग रन है बेसिकली, जहां पर आप दोनों फैक्टर्स को वेरी कर सकते हैं, ओके, इफ बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल्स, ओके,
यानी दोनों चेंज हो रहे हैं, देन इट विल बी रिटर्न टू स्केल. यानी दोनों फैक्टर चेंज कर रहे हैं, लेबर कैपिटल है, लेबर भी बढ़ाया, कैपिटल बढ़ाया, रिजल्टेंटली कुछ आउटपुट बढ़ी. तो ये जो आउटपुट होगी इसकी वजह होगी लेबर और कैपिटल इनपुट्स का बढ़ना दोनों का. दूसरी सूरत ये हो सकती है कि इनमें से कोई एक फैक्टर वेरिएबल हो, वन वेरिएबल फैक्टर है लोन, विद ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑफ अदर फैक्टर. यानी आप कहें कि कैपिटल है, मशीन बिल्डिंग एटसेट्रा सारी चीजें, आप खाली लेबर को बढ़ा रहे हो, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल को आप कंबाइन कर रहे हो वेरिंग अमाउंट ऑफ लेबर. तो यहां पर क्या है, जो भी आउटपुट बढ़ेगी, यानी अगर आप 50 लेबर लगा रहे थे, एक आउटपुट का लेवल था, आपने 50 से बढ़ा के 51 कर दिए, 52 कर दिए, 55 कर दिए, तो जो कुछ भी आउटपुट में इंक्रीज होगी वो क्या कहलाएगी, रिटर्न टू द वेरिएबल इनपुट. यानी लेबर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बड़ी, कैपिटल तो जितना था उतना लगा ही हुआ है पहले से. अच्छा, अब एक चीज और है, जो लॉज ऑफ प्रोडक्शन है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने देखी शुरू में ही, जो मैंने बताई थी कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव है, यानी जीरो से ज्यादा है, लेकिन डिक्लाइन कर रही है. डिक्लाइन करने का मतलब है हर एडिशनल यूनिट ऑफ द फैक्टर, अगर लेबर है और वो दूसरे फिक्स के साथ काम कर रहा है तो उसकी अपनी मार्जिनल आउटपुट जो है वो कम हो रही है. यानी हर एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है वो आपके लिए कम इंक्रीज ला रहा है पिछली यूनिट के मुकाबले में. ठीक है, तो लॉज ऑफ सॉरी वन वेरिएबल फैक्टर जो है यहां पर क्या कहलाएगा, यह कहलाता है लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. यानी यहां पर जो है यह आपका इकोनॉमिक्स का वो लॉ के मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट फैक्टर विल गो ऑन डिक्लाइनिंग. यहां पर इस चीज की पॉसिबिलिटी, हर सारी पॉसिबिलिटी है, यानी इट कैन बी एन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जहां पर जितने आपने फैक्टर्स बढ़ाए आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ी प्रोपोर्शनली, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगा. अगर आउटपुट उतनी ही बढ़ी उसी प्रोपोर्शन से जितने प्रोपोर्शन से में आपने दोनों फैक्टर्स को बढ़ाया तो ये कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा. और अगर आउटपुट की इंक्रीज प्रोपोर्शनली कम हुई उस प्रोपोर्शन से जिससे आपने कैपिटल और लेबर को बढ़ाया तो यह कहलाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. यहां पर रिटर्न्स टू स्केल कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, ये कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है, लेकिन यहां पर पॉसिबिलिटी जो है वो खाली डिक्रीजिंग स्केल की होती है. ठीक है, इनवेरिएबली. ठीक, तो अब मैं इसको मिटाऊं और फिर आगे बात बढ़ाते हैं कुछ. तो हम रिटर्न्स टू स्केल पे पहले आते हैं जहां पर दोनों फैक्टर्स वेरिएबल है. तो प्रोडक्शन फंक्शन की शेप क्या होगी, यानी रिटर्न्स टू स्केल वाले में जब दोनों चेंज है, सपोज एक्स जीरो विच इज आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ के एंड एल. ठीक, अच्छा, इसका मतलब आउटपुट जो बढ़ेगी बाय ए सर्टेन प्रोपोर्शन इफ के एंड एल आर इंक्रीज्ड, यानी के और एल को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट एक सर्टेन प्रोपोर्शन से बढ़ेगी. सपोज यहां पर आप स्टार लगा लीजिए, इसको हम स्मॉल के कर दें और इसको, यानी के जो है वो प्रोपोर्शन बाय विच कैपिटल और लेबर बढ़ रहा है वो के है. ठीक है, तो यहां पर ये आउटपुट है जो कि फंक्शन ऑफ, ये एक फंक्शन रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड है, या हमारा प्रोडक्शन फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है. तो इंक्रीज इन आउटपुट जो है वो होगी कि किस प्रोपोर्शन से के बढ़ रहा है और किस प्रोपोर्शन से एल बढ़ रहा है, यानी कैपिटल और लेबर. और ये जो है के जो है, स्मॉल के इज ए प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन के एंड एल. ओके, अगर हम इसको
फैक्टर आउट कर लें तो आपका ये के एल रह जाएगा खाली, क्योंकि हमने स्मॉल के को आउटसाइड ले लिया। तो इसकी जो भी पावर होगी, यानी ये अपने आप में तो कोफिशियंट था के का और एल का, तो अगर ये फैक्टर आउट किया जा सकता है तो इसका मतलब यह है ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है, यानी आउटपुट जो है वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी जिस प्रोपोर्शन में इनपुट्स बढ़ेंगे। होमोजेनिटी का मतलब यह हुआ, यानी होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो ये जो के जो है ये किसी भी डिग्री से बढ़ सकता है, यानी इसकी पावर जो है वी जो है द रेट एट विच के इंक्रीजेस, राइट। तो वी की पावर कोई भी हो सकती है, यानी अगर जिस प्रोपोर्शन से कैपिटल और लेबर बढ़ रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से आउटपुट बढ़ रही है तो ये फंक्शन है होमोजीनियस फंक्शन, ओके। यानी जिस प्रोपोर्शन से दोनों फैक्टर्स बढ़ रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से आपकी आउटपुट बढ़ रही है। इस वी की वैल्यू अगर वन है तो ये कहलाएगा होमोजीनियस टू डिग्री वन, टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, यानी वो ये बताएगा कि किस रेट पर बढ़ रहा है। अगर वी वन है तो ये है कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ओके। और अगर वी जो है इट इज लेस देन वन, इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अगर वी यानी सब इफ लगा दिए सब में, इफ वी इज ग्रेटर देन वन देन इंक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल, ओके। अब इन्हीं चीजों का एक मैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दूं ताकि ये कंसोलिडेट हो जाए आपके दिमाग में। तो मैंने एक तो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पर एक ही फैक्टर सपोज लेबर और कैपिटल है, सपोज कैपिटल की ये फिक्स क्वांटिटी जो है के वन जो है ये, यानी फिक्स क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इज बीइंग कंबाइंड विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ लेबर, यानी लेबर को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट आपकी बढ़ रही है। ये आमतौर पे डिक्लाइनिंग फंक्शन होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अप्लाई होती है। तो इसमें सपोज अगर ये 10 और ये 20 और ये 30 का आउटपुट लेवल है तो इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंशन पाथ तो फिर यही हुआ ना कि इससे आप एक्सपेंड कर रहे, ठीक है। इसको मैंने बस खाली इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि इससे आप फर्क कर लो। अब आप जो रिटर्न्स टू स्केल है उसमें होमोजेनस और नॉन होमोजेनस को समझा दें, क्योंकि खाली मैथमेटिकल लैंग्वेज में ज़रूरी नहीं है कि इतनी आसानी से चीज़ हो जाए। मतलब फिगर का फायदा एक ये होता है कि एक विजुअल इमेज बन जाती है। सपोज ये आपके आइसोक्वांट्स हैं, ओके। यानी आप ये लेबर है और ये कैपिटल है, ओके। जो भी आपने टेक्नोलॉजी आपने चुनी थी, अगर एक्सपेंशन पाथ ये है, यानी जहाँ से आप पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये प्रोडक्ट लाइन कहलाएगी, या एक्सपेंशन लाइन या कुछ भी कह दें प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। ये भी हो सकती है, यानी इस तरह से
बढ़ रही है आउटपुट. तो ये फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है. दूसरी तरफ से लेकिन इसमें दोनों फैक्टर बढ़ रहे हैं. जब यहां से आप यहां पहुंचे तो आपका लेबर इतना बढ़ा और कैपिटल इतना बढ़ा, ठीक है. इसी तरह से आप बढ़ते चले गए. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. अच्छा, लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि ये आपके आइसोक्वांट्स हैं डिफरेंट, जाहिर है हायर आइसोक्वांट्स जो है वो हायर लेवल ऑफ अमाउंट को कर रहा है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट लाइन जो है वो कुछ यूं जा रही है, यानी आपने आउटपुट लेवल को बढ़ाने के लिए इनको डिफरेंट प्रोपोर्शन में चेंज किया है. अब आप रिकॉल कीजिए तो आप उसमें कॉमन फैक्टर तो नहीं, जो आप फैक्टर आउट कर लें उसको, जो हमारी के था वहां पर उसको फैक्टर आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि बोथ आर चेंजिंग इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. तो ये हमारा नॉन लीनियर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है. ये होमोजीनियस फंक्शन, फंक्शन या लीनियर फंक्शन भी कहते हैं, इसको लीनियर होमोजीनियस भी कहते हैं, और ये नॉन होमोजीनियस. ये फंक्शंस जो हैं रिटर्न्स टू स्केल वाले, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं. कांस्टेंट कब होंगे? जब के की वैल्यू, के की डिग्री जो है, डिग्री ऑफ चेंज इन के, उसकी पावर जो है 1 होगी, और अगर उससे ज्यादा है, उससे कम है, तो वो नॉन होमोजीनस होंगे. अच्छा, इससे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज ये 10 यूनिट है और ये 20 यूनिट है, ये 30 यूनिट, तो कोई भी आपने प्रोडक्शन लाइन ली, सपोज ये इट स्लिप्स ऑन दिस पे. मैं पुरानी जनरेशन का टीचर हूँ तो चौक का इस्तेमाल करते थे, अभी भी इस पे एक्लेमेटाइज हो नहीं पाया हूँ पूरी तरह से, आई एम सॉरी फॉर दैट. तो आपने देखा कि यहां से यहां तक आने के लिए जिस रेशो में कैपिटल लेबर को बढ़ाया टू इंक्रीज बाय द सेम यूनिट आउटपुट को, जब आप यहां से यहां पर आए तो आपने, यानी 10 ही यूनिट बढ़ रही है लेकिन आपने कम लेबर और कम कैपिटल को बढ़ाया, वहां पर प्रोपोर्शन उसका वही था, तो वो था इंक्रीजिंग रिटर्न्स. यहां पर V की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगी. और अगर इन आइसोक्वांट्स का डिस्टेंस जो है, जो आइसोक्वांट्स सेम यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर बराबर है तो वो कांस्टेंट है, और अगर वो इस डिस्टेंस के साथ आ रहा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स है. तो मेरे ख्याल से गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है. और फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फंक्शन जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको. सो थैंक यू वेरी मच.